मैं 250 रुपये बच जाएंगे, मैं मचान में बिरयानी खा लूँगी उससे। उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। ये है पैलेस। वो इंसान मुझे कहीं देख नहीं रहा, नहीं दिखा तो अच्छी बात है, पे नहीं करना पड़ेगा। डर लग रहा है क्योंकि ये रॉयल है ना, यहाँ पे वो राजा भी है नहीं, ये बहुत पुरानी हवेली जैसी है। हवेली कहाँ सुंदर है, पर हवेली ही तो है भाई, डर तो लगेगा। आप लोग का कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? 5 बजे तक। अपना ऑनेस्ट रिव्यू मैं यहाँ पे देने वाली हूँ, अपना ऑनेस्ट फीडबैक जो है। जगह बहुत अच्छी है, फोटोज़ बहुत अच्छे आते हैं, लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं। पर एवरीवन वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ मी ट्विंकल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड मैंने ये अपना नया चैनल खोला है क्योंकि अब मेरा जो पुराना चैनल था वो ऑफकोर्स फ्रीज हो गया था, मेरी वजह से कंसिस्टेंट नहीं थी मैं उसमें, इसलिए मेरा वो चैनल फ्रीज हो गया। सो दैट मैंने अपना एक नया चैनल खोला है जिसमें आप वीडियो देख रहे हो। वेल जोक्स अपार्ट, आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हो तो मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड या वीडियो को स्टार्ट करते हैं, मैं आज जाने वाली हूँ बेलगढ़िया पैलेस जो कि हमारे मयूरभंज में है। आप सबको पता होगा, नहीं भी होगा तो भी पूरा वीडियो देख लो, पता चल जाएगा। एंड लेट्स सी कैसा है। मैं फर्स्ट टाइम जाने वाली हूँ, मैं इससे पहले गई नहीं कभी वहाँ। सो फॉर द वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो। ये है अपना पैलेस। यहाँ पे पहले एक 300 to 250 में अलाउ करते थे, एंट्री देते थे, एंड अभी 500 हो गया है। मैं वापस जाने वाली थी, फिर सोचा नहीं चले आए तो कर लेते हैं। एंड यहाँ पे फ़ोन अलाउड है 500 के अंदर। अंकल आई कार्ड में 50% का डिस्काउंट मिलेगा ना? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। मेरे पास वो क्या कहते हैं उसको, गोप्रो नहीं है तो मैं अब रोड का वीडियो नहीं बना पाऊंगी, तो यहीं पे स्किप करते हैं। मैं दोबारा आऊंगी, मैं यहाँ से क्लिप लूंगी। अभी मैं जाऊंगी घर अपना आई कार्ड लेने, उसके बाद मैं दोबारा आऊंगी। उसके बाद मैं फोरेस्ट आई कार्ड दो, ज़रूरत है दो, अरे चाहिए दो ना, अरे वो बेलगढ़िया पैलेस में 50% ऑफ है आई कार्ड के साथ, दो एक्सपायर्ड के एक्सपायर्ड मैटर नहीं करता दो। लाइक कॉलेज में एग्जाम भी होगा, इतनी स्पीड से मैं कभी नहीं आऊँगी, और उनको डिस्काउंट मिला 50%, वो भी आई मीन मिलेगा। सो मैं आ गई एंड आई गॉट माई आई कार्ड, अभी मैं जाऊँगी वापस। उन्होंने कहा मेरे को कि 10 मिनट बाद ही हो सकता है, चाहे तुम 500 दे के करो या फिर आई कार्ड देकर करो, तुमको 10 मिनट वेट करना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा कि 10 मिनट वेट करना है तो मैं चल जाती हूँ घर, मैं 250 रुपये बच जाएंगे, मैं मचान में बिरयानी खा लूँगी उससे। वेल आई शुड गो नाउ, आई कार्ड मेरे को मिल गया। मैंने अपनी को कह के रखा था आने से पहले कि मेरा आई कार्ड आप निकाल के रखना, एंड उन्होंने निकाल के रखा था, तो थैंक्स टू हर। मेरा हाथ दुख रहा है, रखो लेट्स गो चलते हैं। सीट मेरी पूरी गर्म हो गई है, कोई बात नहीं, थोड़ी देर धूप में रखा तो ये तक गर्म हो गया देखो। एंड अभी इस धूप में मैं जाऊंगी बेलगढ़िया पैलेस तक, पता नहीं मेरा तो मेरा इस धूप में अपने यहाँ पे इतनी धूप की होती है भाई, लग नहीं रहा। हो गया ठीक है, मैं गाड़ी चला रही हूँ, आई मीन चलाने वाली हूँ, मैं वहाँ पहुँच के आपको मिलती हूँ। ठीक है बाय। ये मेरा फर्स्ट टाइम है बेलगढ़िया पैलेस में, इससे पहले मैं कभी आई नहीं हूँ। देखा बहुत बड़ी है, सोचा भी था आने के लिए, पर मुझे जहाँ तक मैंने जहाँ तक देखा था यूट्यूब में 10,000 था एक दिन का,
एंड यहाँ पे आके पता चला 500 का है। अभी हो रहा है 12:30, यहाँ पे 1:30 बजे तक रुकने के लिए देंगे। ये अपना टिकट है, आगे जाके इसको दिखाने पे हमको पे करना पड़ेगा। एंड ये मेरा आईडी कार्ड, यहाँ पे फ़ोन अलाउड है व्लॉग बनाने के लिए। कभी भी आप आओ तो कैमरा लेके मत आना, नहीं उसके एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे आपको। ये है पैलेस, मैं कुछ दिन पहले सोच रही थी ये DSLR कैमरा खरीद लूँ एक वीडियोस बनाने के लिए, अच्छा हुआ नहीं खरीदा, नहीं तो मुझे वो अलाउ नहीं करते और मेरा यहाँ आना वेस्ट हो जाता। इसको पे नहीं किया है अभी, और हम कोई ये दिखा के पैसे पे करूँ, उन्होंने कहा कि आगे जाओ, आगे जाके एक इंसान मिलेगा जिसे ये दिखाना है और उसको पैसे देना है, तो वो इंसान मुझे कहीं दिख नहीं रहा। नहीं दिखा तो अच्छी बात है, पे नहीं करना पड़ेगा, पूरा यही घूम लूँगी मैं। अंदर भी अलाउ करेंगे आई गेस, 250 रुपये दिया है तो ऑफकोर्स अंदर तो अलाउ करेंगे, करना पड़ेगा यार। वाह, यही के हैं। तो अभी जो जनरेशन है वो बहुत ही सभी जनरेशन है, किचिंग से कैपिटल आया, हरिपुर से कैपिटल आया है बालिका। मतलब पैलेस के जो सबसे मेन ओनर थे, मेन ओनर आलू पहले जो यहाँ के राजा थे, उनके कौन भी राजा है, तब भी राजा थे, अभी चेंजेस यहाँ है, डेमोक्रेसी है तो किंगली रूलिंग था। हाँ, नहीं वो जो राजा थे सालों पहले उनके ये कौन लगते हैं, लाइक रिलेशन कौन राजा थे आपके पैलेस है एक्चुअल में, जिसका किसका पैलेस राजा राजा थे, अभी क्या हुआ, अभी डेमोक्रेसी है लेकिन उनका जो पीढ़ी वो तो खत्म नहीं हुआ है। सारे रूम्स कुछ वहाँ पे है क्या, कुछ भी नहीं लाइक कुछ वहाँ पे हिस्टोरिकल कुछ रहस्य है। एक है ना MP के महारानी प्रेम कुमारी, वो भी एक पैलेस था, नहीं, वो स्कूल ही है ना। अच्छा वहाँ पे ऐसा सुनने में आता है वहाँ पे कुछ ऐसा है लाइक महारानी का जो वहाँ पे तस्वीर है बड़ा सा, सुना होगा वहाँ पे, हाँ उसके अंदर से कुछ मतलब है ऐसा सुरंग वगैरह जो सारे महल को ऐसे कनेक्ट कर, वो मिथ है, हमको सुनाने के लिए हमारे ग्रैंडमा ने वो सारे स्टोरी सुना थे। वो वार होता था पहले, वार होता था तो हम छुपते थे, छुप के जाते थे, तो आज जिस वे से हम गए कल वो बंद हो जाता था।
एक ही रास्ता से अगर हम जाएंगे, हमारे दुश्मन कोई अगर हमारे सोल्जर से कोई एक दुश्मन का सोल्जर, तो हमको कैसे पता चलेगा? इनको पता है ये लोग इधर से आएंगे, क्या हम घुस जाएंगे अंदर ही हो जाएंगे, उसे नहीं होता है। वो होता है लेकिन ये से यहाँ गया है, यहाँ से यहाँ गया, अगर पता चल गया तो सब वहाँ से घूमेंगे टेम्पररी टाइम के लिए। टेम्पररी, आज हम यहाँ से सुरंग लेके गए पैलेस, कल ये बंद हो जाएगा। और जो राजा उनका घर तो अभी कॉलेज है, वो एक्चुअली उनका घर। ये सब क्या है? ये ओरिजिनल है, क्रोकोडाइल है, उसका कौन है ये? ये यही का है या बाहर का? शिकार किए थे महाराजा प्रताप चंद्र भंजू, कुछ टाइटल मिला है, ये है महाराजा प्रताप चंद्र भंजू, ये महाराजा श्री रामचंद्र भंजू, इनके जनरेशन से आपको बताना चाहिए, कृष्णा चंद्र भंजू या श्री रामचंद्र भंजू। चारों तरफ इतना सन्नाटा, साइलेंस, कोई आवाज नहीं। ये इनकी फोटो देखी ना हमने बाहर में, प्रदीप चंद्र भंजू, और ये उनके सिस्टर, उनके जीजा जी, और ये सारे उनके चिल्ड्रन, और ये महाराजा प्रताप चंद्र भंजू, प्रदीप चंद्र, स्वरूप चंद्र, स्वरूप चंद्र इतना स्मार्ट ब्रदर महाराजा जी है, उनके पास एमकेसी के राजा। सारे एंटीक है, पोशाक, बहुत अच्छी जगह है, बहुत सारे फोटोज क्लिक किए मैंने, मेरे फोन में चार्ज भी तो नहीं है, मैं सारी क्लिक्स नहीं ले सकती। गार्डन है क्या? ये सारे बोन्स रियल है ना? रियल है, आप लोग का कितने बजे से कितने बजे तक रहता है? 5 बजे तक? स्कैरी है, रहना बहुत स्कैरी है यहाँ पर। एंड ये है लाइब्रेरी, यहाँ का जो मेन एक्चुअल लाइब्रेरी, ये है लाइब्रेरी, यहाँ पे कुछ फोटोज क्लिक करके एंड हम जाएंगे कॉफी पीने। अच्छा, जुबली लाइब्रेरी में अलाउ करते हैं? जुबली लाइब्रेरी में अलाउ करते हैं? इसके लिए लाइक आइडेंटिटी कार्ड चार्जेस नहीं है, आप पढ़ने के लिए जाओगे। और आप ये सर घर में आपको प्रॉब्लम है पढ़ने के लिए, डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो वहाँ पर जाकर आप पढ़ सकते हैं, तो उसके लिए आपको एंट्री करना पड़ेगा। वही पे मोस्टली शायद 100 या 300 लेंगे। ओके, सो गाइस पूरा पैलेस मैंने घूम लिया, एंड ऑफकोर्स आप लोग ने भी तो पूरा वीडियो देख ही लिया है, मुझे नीचे कमेंट में बताना कि आपको ये पैलेस कैसा लगा। ये मेरा फर्स्ट टाइम था, आप लोग इससे पहले आए हो कि नहीं मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ पे उन्होंने कहा बैठने के लिए, एंड क्योंकि मैं स्नैक्स लेके आई थी और उन्होंने उसको वहीं पर रख लिया, अंदर एंट्री नहीं दी, एंड तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर मिलेगा, वही लाने गए कोल्ड कॉफ़ी, उसका वेट कर रही हूँ। ये कोल्ड कॉफ़ी और ये बिस्किट्स उन्होंने अभी जस्ट दिया। क्या ही बताओ बिस्किट का क्या ही टेस्ट होता है। हाँ सही है, जैसे नॉर्मल बिस्किट्स होते हैं वैसे ही है। एंड ये कॉफ़ी,
शुगर इसमें बिल्कुल भी नहीं है, शुगर जैसे कॉफ़ी का टेस्ट होता है एग्जैक्ट वैसा शुगर डाल के बैलेंस करते, लेकिन यहाँ पे तो कुछ भी नहीं छोड़। इतने भी हो अपना ऑनेस्ट रिव्यू मैं यहाँ पे देने वाली, अपना ऑनेस्ट फीडबैक जो है, जगह बहुत अच्छी है, फोटोज बहुत अच्छे आते हैं, लाइटिंग वगैरह भी बहुत अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, पर थोड़े लाइक जैसे कि हाँ मैं एक एज ए इन्फ्लुएंसर लाइक अपकमिंग इन्फ्लुएंसर बनी नहीं, अभी बनूंगी, तो यहाँ मैं फोटोज और वीडियोस के मोटिव से आई थी। एंड जैसे कि आपने देखा ऑलरेडी पूरे ब्लॉग में कि मैं यहाँ पे लाइक आने के बाद से क्या क्या हुआ, उन्होंने पूरी हिस्ट्री मुझे सुनाई। एंड वो थोड़ा मेरे को लगा कि यहाँ पे मेरा थोड़ा सा टाइम जो है समझ ही जाओ, क्योंकि मैं बाहर से टूर करने तो नहीं है, लेकिन मुझे यहाँ का स्टोरी, यहाँ का हिस्ट्री जानना होगा, ऐसा नहीं था मेरा मोटिव। उनको भी कहाँ से पता चलेगा कि मैं सिर्फ फ़ोटोज़ के लिए आई हूँ, कोई बात नहीं, उन्होंने अपनी पूरी अपनी नहीं सॉरी इस पैलेस की पूरी स्टोरी सुनाई है। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम, थोड़ा नहीं बहुत टाइम वेस्ट हो गया, वेल फिर भी सुन के थोड़ा नॉलेज मिला। जितनी देर भी मैं घूमी चारों तरफ एक अलग सी साउंड आ रही है, मतलब हर तरफ इन्होंने शायद कुछ स्पीकर वगैरह लगा रखा है जिसमें एक ओल्ड ट्यून, एक जो रॉयल वाली होती है ना वैसा वाला आ रहा था, एंड एक्चुअल में रॉयल वाली वाइब आ रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे पीछे से चंद्रमुखिया ऐसे आ रही थी। एंड ओवरऑल बाकी सारा अच्छा ही है, एंड यहाँ पे जितनी सारी चीज़ें सारे के सारे मतलब एंटिक है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे जो ऊपर से ला के लाइक अलग से ऐड किया हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। 9 बजे से 5 बजे तक यहाँ पे खुला रहता है, अगर आपको किसी को आना है फोटोज़ वगैरह क्लिक करने के लिए तो आ सकते हो। यहाँ का जो चार्जेस है लाइक एंट्री फीस है यहाँ की 250 रुपये, अगर आपके पास आईडी कार्ड है, मेरे पास तो नहीं था, मैं घर से लेके आई। एंड अगर आईडी कार्ड नहीं है तो 500 रुपये दे के आपको आना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। टाटा।